कोविड-19 महामारी को लेकर नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाने से सिविल अस्पताल सुंदरनगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेडिकल कॉलेज में महिला रोग को लेकर मौजूद डॉक्टरों की पलटन भी कोविड अस्पताल के चलते मरीजों को सुंदरनगर भेज रही है। आलम यह है कि इस अस्पताल में तैनात प्रदेश के प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट आलोक शर्मा द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी कर्फ्यू में अभी तक सैकड़ों महिला रोगियों को चेक कर कई सफल डिलीवरियां भी करवा चुके हैं। बेशक डॉक्टर आलोक अपनी ड्यूटी 24 घंटे पूरी निष्ठा से निभा तो रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एकमात्र गायनी डॉक्टर मौजूद होने के कारण इमरजेंसी महिला मरीजों को त्वरित मेडिकल सुविधा पहुंचाने में बेबस नजर आते हैं। सबसे बुरा हाल बल्ब उसके आसपास के क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं का है, जो अपना अधिकतर ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में लेने के बाद डिलीवरी के समय सुंदरनगर अस्पताल धकेली जा रही हैं। वहीं इस कारण अस्पताल का दूसरा स्टाफ भी प्रभावित हो रहा है और मजबूरन कई केस रेफर करने को विशेषज्ञ विवश हो रहे हैं। महिला रोग विशेषज्ञ की बात करें तो कर्फ्यू लगने के बाद यहां पर रोजाना 75 से अधिक ओपीडी रह रही है और लेबर रूम में डिलीवरी अलग से हो रही है। जो डिसीजन हमारे प्रशासन ने लिया वो एक उस डिसीजन का हम हमेशा वेलकम करते हैं, लेकिन फिर भी ये मानना मेरा बहुत मेरे अंदर से ये भी महसूस होता है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है, चलो मान लिया उसे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ऐसा मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में कोई नहीं बना है जिसे ऐसा मान के डिक्लेयर कर दिया हो कि वो पूरा बंद है। वहाँ कोई पेशेंट नहीं देखा जाएगा, ना वहाँ इमरजेंसी देखी जाएगी, ना वहाँ लेबर देखी जाएगी, ना वहाँ सिजेरियंस होंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो 8-8, 9-9 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो कहाँ जाएं? मैं सिंगल हैंडेडली इस कर्फ्यू में रात दिन यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। रात दिन हम उन्हीं के मरीज़ भी देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मरीज़ों का ये होता है कि यार इन मरीज़ों का इतना हाई रिस्क होता है, एकदम आखिरी टाइम पर लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सुंदरनगर में अपनी पॉपुलेशन मरीज़ों की बहुत है, मेरे पास मरीज फुल रहते हैं, यहाँ पे अभी भी लेबर रूम फुल है, एनेस्थेटिस्ट मेरे पास एक है, ऑब्स्टेट्रिशियन मैं एक हूँ, पेडियाट्रिशियन हमारे पास यहाँ एक है, जो SMO भी हैं उन्हें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सिंगल हैंडेडली मुझे उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी देखना है, उन बच्चों को डिलीवर भी कराना है और उन बच्चों को ठीक करके भी भेजना है। सिजेरियंस मैं अपने एनेस्थेटिस्ट के हिसाब से करता हूँ, जब वो होते हैं तो मुझे करने पड़ते हैं, जब वो नहीं होते हैं तो मुझे वो रेफर करने पड़ते हैं, और बड़े दुखद उसके साथ रेफर करने पड़ते हैं कि हमें यहाँ से रेफर करना पड़ रहा है बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन इस कर्फ्यू के चलते अगर कोरोना हॉस्पिटल उसको डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस अस्पताल में कम से कम ऐसी फैसिलिटीज ज़रूर कर देनी चाहिए थी सरकार को, जिससे कि वहाँ पर इमरजेंसी ज़रूर देखी जाए। इस को डिक्लेयर करने के बाद मरीजों में इतनी खलबली है, हर मरीज़ बहुत खलबली से है, सीधा सीधा अगर वो वहाँ से हमें सीधा ऐसी पर्चियाँ भी देखी हैं उनसे साइन करके ले ले रहे हैं कि हम अपने मरीज की डिलीवरी सुंदरनगर में करवाना चाहते हैं और सिग्नेचर लेकर भेज दे रहे हैं, हम उन सबको ले रहे हैं। लेकिन कुछ एक मरीज ऐसे होता है कि ठीक है, मंडी में भी काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, 4 फुल फ्लेजेड हैं, 5-6 वहाँ पर DNB स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मुझसे कंपेयर किया जा रहा है तो मैं तो सिंगल हैंडेडली काम कर रहा हूँ। उस पर हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।